नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्पोर्टिंग वर्ड्स की इस नई वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं हॉकी के ऊपर या फील्ड हॉकी के ऊपर। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप जानते हो इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, ऑफिशियल नेशनल गेम कौन सा है? शायद आप सब एक नेम बोलोगे, हॉकी। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जी हाँ, इंट्रो से पहले जो मैंने कहा था वो सच है, इंडिया को कोई नेशनल गेम नहीं है, ना वो हॉकी है, ना वो क्रिकेट है, ना वो कबड्डी है। क्योंकि इंडिया असल में ये बिलीव करता है कि इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है और वो सारे गेम्स को प्रमोट करेगा, किसी एक गेम को नहीं। तो हाँ, डिमांड बहुत है हॉकी की कि भैया हॉकी को एक नेशनल गेम स्पोर्ट्स बता देना चाहिए। तकरीबन 8 ओलंपिक्स गोल्ड हम जीते हॉकी में, तो हो जाना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा रियलिटी में अभी कुछ नहीं है। चलिए हम चलते हैं यार अपनी फील्ड हॉकी के ऊपर, मैं उसके बारे में आपको बेसिक्स बताता हूँ कि हॉकी क्या है। तो ज़्यादातर इसे फील्ड हॉकी कहते हैं और ये एक टीम स्पोर्ट्स होता है और इसमें तकरीबन 10 प्लेयर्स होते हैं और एक गोलकीपर होता है आपका, जिसमें आप अगर मॉडर्न टाइम्स में देखोगे तो ये यूनाइटेड किंगडम से होके आया है, तकरीबन 19 सेंचुरी से शुरू हो चुका है। और जो ये नाम है फील्ड हॉकी, ज़्यादातर आप कह रहे होंगे यार आप हॉकी क्यों, फील्ड हॉकी क्यों बोल रहे हो, हम तो हॉकी बोलते हैं। असल में कनाडा, यूएस साइड इस सबको हम फील्ड हॉकी बोलते हैं, और यूएस पे कनाडा में जो हॉकी होता है वो बेसिकली आइस हॉकी को कहते हैं, तो इस वजह से मैं इसे फील्ड हॉकी बोल रहा हूँ। और इसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्वीडन इधर की साइड चले जाओगे तो उसे कहते हैं लैंड हॉकी, ज़्यादा कहते हैं इधर, और नॉर्वे की साइड में भी इसे ऐसे ही कहते हैं। इसके बाद अगर हम आप चलते हो आगे, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ कि जैसे गोलकीपर होता है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक हॉकी स्टिक और एक हॉकी बॉल क्या होती है। हॉकी स्टिक जैसे आप देख रहे हो, एक ग्रिप होती है, एक हैंडल होता है, स्लेस होता है, इसकी शाफ्ट होती है, हेड होता है, और उसका फेस होता है, उसके आखिर में टो या हील होती है। इसके बाद ऐसी बॉल होती है जैसे गोल्फ बॉल की तरह आप कह सकते हो, या हॉकी बॉल है तो आप इसे देख सकते हो बॉल को। इसके बाद हम चलते हैं कि जैसे गोलकीपर होता है, जो कि मतलब साफ तौर पर नाम से पता चल रहा है, एक गोलकीपर होता है जो कि गोल बचाने की कोशिश करता है। जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हमारी बॉल है वो दूसरे के गोल पोस्ट में डाल देना। ये तकरीबन आप कह सकते हो थोड़ा सा फुटबॉल से रिजेंबल करता है कि गोलकीपर क्या हुआ, गोल बचाएगा और जो मेंबर्स हैं वो गोल करने की कोशिश करेंगे। जो टाइम के आखिर में सबसे ज़्यादा गोल कर देगा वो वाली टीम जीत जाएगी। अगर ड्रॉ हो जाता है तो या तो उसे ड्रॉ बोल दिया जाएगा या पेनल्टी शूट आउट हो जाएगा, वो कंपटीशन पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या होगा या वो ड्रॉ कहलाया जाएगा। इसके बाद जैसे कि गोलकीपर होता है तो गोलकीपर के किसी भी पार्ट से वो बॉल छू सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्लेयर होता है उसकी सिर्फ स्टिक से, वो भी जो फ्लैट है, जो कि मतलब राउंड हो जाती है ना स्टिक, तो वहाँ से वो नहीं छू सकता, जो फ्लैट है आगे से, मतलब आगे से ही बॉल छूनी चाहिए। और उसका हाथ भी तकरीबन कहा जाता है कि हाथ भी माना जाता है कि स्टिक का पार्ट है, इसलिए हाथ पे भी अगर लग जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन हाँ, जहाँ से जो स्टिक है हमारी गोल होती है, अगर वहाँ से वो टकराती है किसी भी तरीके से, तो उसे हम एक पेनल्टी लेते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं हम, अगर इसमें आप देखोगे तो हॉकी जो बनाई जाती है तकरीबन वुड से बनाई जाती है, कार्बन फाइबर से बनाई जाती है, ग्लास फाइबर से बनाई जाती है, उन सबके मिश्रण से बनाई जाती है। और जो हॉकी स्टिक की जो लंबाई होती है वो प्लेयर के ऊपर होती है, ज़्यादातर ये देखा जाता है उसके कूल्हे तक अगर स्टिक आ रही है तो ठीक है, और जैसे कोई बड़ा प्लेयर है तो उसके लिए बड़ी स्टिक होगी। गोलकीपर की जो होती है, जो स्टिक होती है वो थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ी मतलब इस तरीके से होती है कि वो अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, इसलिए उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करे जाते हैं। और जो हमारा हॉकी है उसमें वो ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड लीग्स, चैंपियन ट्रॉफी और जूनियर वर्ल्ड कप भी खेले जाते हैं। अगर इसकी इंटरनेशनल या हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी की बात करी जाए तो वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। पहली बार ये 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड, यूके में खेला गया था। और इसमें क्या होता है, 10 प्लेयर्स होते हैं फील्ड पर और एक गोलकीपर होता है, क्योंकि और टोटल मिला के हमारा 17 का स्क्वाड होता है, 17 लोग होते हैं हमारे स्क्वाड में। और ये अंदर भी खेला जाता है, इंडोर भी और आउटडोर भी दोनों खेला जाता है। इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो होता है हॉकी बॉल, हॉकी स्टिक और एक माउथ गार्ड, मतलब बचाने के लिए आप कपड़े कह सकते हो, वो कपड़े क्या पहनते हैं, शिन गार्ड पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, और ताकि दांत ना टूटे इसलिए माउथ गार्ड होता है, एक जर्सी होती है, तो ये सारे इसमें आता है। अगर आप ओलंपिक्स में कहो कि यार फील्ड हॉकी कितने में खेला जाता है, तो मैं कहूँगा 1908 में पहली बार खेला गया था, 1920 में दूसरी बार, फिर 1928 से अब तक ये लगातार खेला जा रहा है। और इंडिया में तकरीबन जैसे मैंने बताया, इसमें हम तकरीबन 8
गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जैसे आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं यार, आप अगर पेरेंट्स देख रहे हो और या आप बच्चे देख रहे हो और आप समझाना चाहते हो अपने पेरेंट्स को यार क्यों खिलाएं, तो यार इससे सीधे सीधा देखो साइड पे भी लिखा हुआ है कि इससे मसल बिल्डिंग होती है बच्चों की, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, जो टीम वर्क होता है वो डेवलप होता है, किसी का वजन ज़्यादा तो वो कम हो जाता है, इसमें सांस की मतलब अगर ब्रीथिंग में होता है, कोई अगर बच्चा नहीं खेलता तो थोड़ी सी भी अगर उसे जुकाम वुकाम हुआ तो उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तो ऐसी प्रॉब्लम उसे बच जाता है, वो बीमार कम पड़ता है, और इसके बाद उसका एंड्योरेंस मतलब दौड़ने का भागने का ये सब बढ़िया इंप्रूव होता है, और ये सारे ज़्यादातर सब गेम्स के साथ ही होता है। ये मैं न्यूज़ ले आऊँ यहाँ पे, तो ये हमारा पेज है स्पोर्टिंग वर्स 2, यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो हॉकी हरियाणा जीत चुकी है मेन नेशनल चैंपियनशिप 2020, तो हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और ऐसी न्यूज अगर आप रेगुलर देखना चाहते हो, कवर करना चाहते हो, तो यार इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, और बाकी तो स्पोर्टिंग वर्ल्ड पर हर वीक ऐसी न्यूज़ आती ही रहती हैं। तो आज सिर्फ इतना ही रहता है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो विद दोस्तों के साथ, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।